हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। खट्टर के विकास की खुली पोल, रोड शो में खुले नाले में गिरे भाजपा कार्यकर्ता। हरियाणा के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मनोहर लाल खट्टर के विकास की पोल खुल गई है। उनके काम की सच्चाई खुद उनकी चुनाव रैली में सामने आ गई। उनकी चुनाव रैली जो झज्जर में हुई जा रही थी, उसके दौरान एक भाजपा कार्यकर्ता खुले नाले में गिर गए। जब उन्हें नाले से निकाला गया तो वह कीचड़ से सने हुए थे और उनको निकालने के बाद वह खुद ही नगर पालिका के काम पर उंगलियां उठाने लगे। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड लेने वाले मोदी ने वाराणसी में पानी बहा दिया, जहां 30% आबादी अभी भी प्यासी है। पिछले ही साल जहां नरेंद्र मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वहीं उन्होंने अपनी स्पीच में यह कहा था कि भारत की घरों से लेकर गलियों तक व पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक हर जगह वाटर और एनर्जी कंजर्वेशन की मुहिम को बढ़ाया जा रहा है व हर जगह टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं हाल ही में हुए उनके वाराणसी में रोड शो में 1.4 लाख लीटर पीने के पानी का इस्तेमाल सड़क धोने के लिए किया गया। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में विकास किया होता तो वह वहां पाकिस्तान के नाम पर वोट नहीं मांग रहे होते। प्रधानमंत्री ने जहां दावा किया है कि उन्होंने वाराणसी में बहुत विकास किया है, वहीं उनकी खुद की 2 दिन की वाराणसी यात्रा में वह सिर्फ पाकिस्तान व विपक्ष की बातें करते दिख रहे हैं। जहां उन्हें अच्छे मुद्दों पर बात करनी चाहिए, जैसे रोजगार, किसान, गंगा की सफाई, वह सिर्फ आतंकवादी, पाकिस्तान व विपक्ष के बातें करे जा रहे हैं। जहां से चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, वहीं के विकास के काम गिनवाने के लिए उनके पास नहीं है। नरेंद्र मोदी इस देश के अकेले ऐसे अति पिछड़े इंसान हैं जो 10 करोड़ का सूट पहनते हैं व उनके दोस्त अडानी और अंबानी हैं। हाल ही में यूपी के सीतापुर में जनसभा के दौरान नरेंद्र मोदी ने अपने आप को अति पिछड़ा बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जाति इतनी छोटी है कि उन्हें गांव में एक आधा घर भी नहीं मिलता। वह पिछड़े नहीं, अति पिछड़े हैं। उनके इस कथन पर कमाल रशीद खान ने उनसे यह कहा कि ऐसे कौन से अति पिछड़े इंसान होते हैं जिनके दोस्त अडानी और अंबानी होते हैं, जो हर महीने विदेश की यात्रा करते हैं व 10 करोड़ तक का सूट भी पहनते हैं। सांप्रदायिक दंगों में अपने बेटे को खोने वाले इमाम ने खुद चुनाव में शांति बनाए रखने की अपील करी है। जहां बीजेपी के कुछ नेता सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं व उसे वोट कमाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अपने बेटे को खोने वाले इमाम ने चुनाव में शांति बनाए रखने की अपील करी है। उन्होंने जुम्मे की नवाज के बाद लोगों से साफ साफ कह दिया कि वह किसी को भी वोट करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु उन्हें इकट्ठा होकर रहना पड़ेगा व मिलजुल कर रहना पड़ेगा, जिससे उनके बीच बहसबाजी ना हो और उनके दिल में कोई खटास पैदा ना हो। तड़पते हुए बच्चों के लिए ऑक्सीजन के पैसे तो नहीं हैं, पर उनके रोड शो में करोड़ों के फूल उड़ाए गए। हाल ही में प्रधानमंत्री के रोड शो में साफ सड़कें थी, सुंदर फूल थे, फर्स्ट सुंदर तरीके से डिवाइडर को भी सजाया गया था। उनके ऊपर जिन फूलों से वर्षा की गई थी वे कई राज्यों से मंगवाए गए थे व करोड़ों रुपए के थे। इसी बात पर तंज कसते हुए अलका लांबा ने लिखा कि उनके पास करोड़ों पैसे फूल उड़ाने के लिए हैं, पर गोरखपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए बच्चों को बचाने के लिए नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा कि बीजेपी हटाओ और भारत बचाओ। अगर कसाब जिंदा होता तो बीजेपी जरूर उसे टिकट देकर चुनाव में उतार देती। बीजेपी जहां कांग्रेस को हमेशा से 84 के दंगों के लिए घेरती हुई नजर आती है, वहीं उसने खुद ही वही कारनामा करके दिखा दिया है। बीजेपी ने मालगांव के बम ब्लास्ट की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा को भोपाल लोकसभा से टिकट दे दी है।
साध्वी प्रज्ञा 9 साल से जेल में थी व अभी वह जमानत पर है। यह सूचना मिलते ही एक यूजर ने लिखा कि अगर कसाब जिंदा होता तो बीजेपी जरूर ही उसे टिकट देके चुनाव के मैदान में उतार देती। इंदिरा की कार जांच करने वाली अफसर महान और ईमानदार, वहीं नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर के जांच करने वाले अफसर हुए सस्पेंड। नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने वाले अफसर हाल ही में सस्पेंड कर दिए गए। चुनाव आयोग ने उन्हें सस्पेंड कर अपने निष्पक्षता पे दोबारा से सवाल उठवा दिए हैं। वहीं विपक्ष इस पर सवाल भी पूछे जा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने लिखते हुए प्रश्न किया कि इंदिरा गांधी की कार जांच करने वाली अफसर ईमानदार और महान बन गई, वहीं नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर जांच करने वाले के साथ इतनी निष्पक्षता। इस ईमानदार अफसर ने नरेंद्र मोदी को भविष्य के लिए बहुत डरा दिया है। अब नरेंद्र मोदी कभी भी अपने साथ वो काला बैग नहीं ले जा पाएंगे। हाल ही में नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच के लिए आईएएस अफसर मोहम्मद मोहसिन को निलंबित कर दिया गया है। मोहम्मद मोहसिन एक बड़े ही ईमानदार आईएएस अफसर हैं। उन्होंने संबलपुर जा रहे हेलीकॉप्टर में संदिग्ध बैग देखकर उसकी जांच करी थी। अब कपटी लोग तो ईमानदार लोगों से डरेंगे ही, इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए अलग अलग बयान दे रहा है। हम आईएएस अफसर की इस ईमानदारी की तारीफ करते हैं। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी वैसे ही घबराए हुए हैं जैसे 2014 में कांग्रेस थी। भाजपा का जाने का समय आ चुका है। 48 घंटे के बैन के बाद मायावती के लगातार ट्वीट पे ट्वीट आए जा रहे हैं। वो अपने ट्वीट के द्वारा चुनाव आयोग पर तंज कसे जा रही हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के द्वारा लिखा कि चुनाव आयोग केंद्र के आगे नतमस्तक हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के ड्रामे करने पर जैसे वह दलित के घर जाके खा रहे हैं व उसे मीडिया पे प्रसारित कर रहे हैं, चुनाव आयोग उसके लिए कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा। मायावती ने ऐसे कई तंज कसते हुए ट्वीट जारी करे। नरेंद्र मोदी का एक और झूठ का खुलासा, 30 साल से कपड़े धुलवा रहे थे और बोले कि सीएम बनने तक मैं खुद धोता था कपड़े। हाल ही में नरेंद्र मोदी के एक इंटरव्यू में जिसे एक्टर अक्षय कुमार ने लिया, उन्होंने यह कह दिया कि वह सीएम बनने तक अपने कपड़े खुद धोया करते थे, जो बात बिल्कुल ही झूठ है। इंडियन एक्सप्रेस के खबर के अनुसार 1970 में नरेंद्र मोदी के पास धोबी हुआ करता था जो उनके कपड़े धोता था, जिसका देहांत 2017 में हुआ। इस बात से यह साफ हो जाता है कि नरेंद्र मोदी ने अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हुए यह बात साफ साफ झूठ बोल दी कि वह अपने कपड़े खुद धोया करते थे। शिवराज बोले कि नरेंद्र मोदी भगवान का वरदान है, इसलिए उन्हें वोट जरूर डालें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज लोगों से ऐसे वोट मांग रहे हैं जैसे अगर वो उन्हें वोट ना दें तो उन्हें पाप चढ़ जाएगा। वह लोगों को कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भगवान का वरदान है व उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाना है और कमलनाथ को सबक भी सिखाना है। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने गुंडई भाषा में बात करते हुए अधिकारी को भी यह कहा कि हमारा समय भी आएगा, तब हम तुमसे पूछेंगे कि क्या हाल है। वो ऐसे वोट की अपील कर रहे हैं मानो लोगों को उनके वोट ना देने पर उन्हें पाप चढ़ जाएगा। बीजेपी का सबसे बड़ा घोटाला, पीएमओ समेत हरियाणा सरकार पर आरोप, नितिन और खट्टर जा सकते हैं जेल। हाल ही में हरियाणा सरकार पर घोटाले का मामला सामने आया है। गुरुग्राम सेशन कोर्ट में 2 मामले दर्ज कराए गए हैं। पहला मामला हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर व दूसरा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पे लगाया गया है। आरोप है कि एक्टिवा से लेकर लग्जरी कारों पर उपभोक्ताओं को ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, परंतु कागजों में कम पैसे ही लिखे आ रहे हैं। इस आरोप में 28 लोगों को आरोपी बताया गया है। नरेंद्र मोदी बोले, कांग्रेस को 70 साल दिए हैं, हमें 5 साल और दीजिए। वहीं लोगों ने कहा कि आपसे नहीं हो पाएगा।
नरेंद्र मोदी हाल ही में बिहार की रैली में बोले कि जो काम कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, हम वो 5 साल में कैसे कर सकते हैं, इसलिए हमें थोड़ा समय और दीजिए। नरेंद्र मोदी वो हर बात बोल रहे हैं, वह हर वादा कर रहे हैं जिससे उन्हें वोट मिल सके। उनके इस टिप्पणी पर लोगों ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपसे अब नहीं हो पाएगा, वह और लोगों ने भी ट्वीट कर करके अपनी भावनाएं प्रकट करी। आपकी अदालत में पहुंचे अमित शाह तो जज गायब। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का दौर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हर मीडिया चैनल पर पक्ष और विपक्ष के नेता इंटरव्यू देते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में रजत शर्मा का फेमस शो आपकी अदालत पर पहुंचे अमित शाह। रजत शर्मा का ये शो 25 सालों से टीवी पे आ रहा है, जिसमें हर अभिनेता और बड़े बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। इसी शो में कल आए अमित शाह, पर कल अमित शाह के होने पर जज गायब था। इसी पर कॉमेडियन कुणाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने पहली बार ऐसा शो देखा जिसमें अमित शाह के होते ही जज गायब हो गए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।